भाई ये है नॉइस के नए चिंटुगले मिंटुगले TWS नॉइस बीड्स और मैंने इन्हें जोश जोश में दो कलर में ऑर्डर कर लिया। ये वाला है वो ग्रे सिल्वर, ये वाला है ऑनिक्स ब्लैक। अगर आपको सेल में कोई आउट ऑफ स्टॉक होता हुआ दिखा होगा ना तो मैं ही कल्प्रिट हूँ भाई, क्योंकि मैंने एक नहीं दो उठाए हैं। क्योंकि मुझे ब्लैक तो पसंद आया ही था, इस बार ग्रे वाला भी थोड़ा यूनिक दिख रहा था। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक एंड इस वीडियो में देखा जाए मुझे ये TWS कैसे लगे। सबसे पहले डब्बे की बात की जाए, ऊपर आपको नॉइस का ब्रांडिंग बीड्स लिखा है, TWS दिख जाएंगे। पीछे कुछ की हाइलाइट्स है। डब्बा खोला, सबसे पहले आपको स्टिकर, वारंटी कार्ड, मैनुअल एंड देन एक सेटअप कार्ड मिल जाता है। हटाया आपको आपके TWS मिल जाएंगे। आपके TWS पे एक छोटी सी पन्नी है, हटा देना। भाई दिखने में सबसे पहला चीज दिमाग में आती है, भाई ये कितने छोटे है। That's what she said. एंड दोनों अलग अलग कलर्स अच्छे लगते हैं। सही बताऊं तो मुझे ब्लैक से ज्यादा ये ग्रे अच्छा लगा दिखने में। नॉइस बोल रहा है मेटालिक फिनिश है, एंड सही में ग्रे वाले में तो मेटालिक फिनिश दिख कर आ रहा है। ब्लैक वाला तो ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल मैट फिनिश है जैसे हमें बाकी TWS मिलता है। काफी छोटा डिजाइन है, ऊपर नॉइस का ब्रांडिंग है, सामने LEDs है, पीछे टाइप सी का पोर्ट है। इसकी लीड की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे खोलो तो ढिलती डुलती नहीं है, एकदम स्नैपी है, एकदम जगह पर रहती है। ये डब्बी भी काफी लाइट वेट है, पॉकेटेबल है, तो आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो। फिलहाल मुझे ऐसा लगा दो दिन के यूज में इस पे अब तक कोई स्क्रैचेस नहीं है। एंड ये जो थोड़ा सा मैट फिनिश है इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है ये स्क्रैचेस को रेजिस्ट कर रहा है। TWS की बात की जाए अगेन, ऊपर का जो फिनिश है पूरा मेटालिक फिनिश है, दिख के अच्छा लगता है। नॉइस का ब्रांडिंग है, LED दी गई है। यहाँ पे स्टेमलेस डिजाइन और कान में काफी अच्छे से फिट बैठ जाते हैं, काफी मस्त बैठते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, एकदम आराम से इन्हें आप लंबे आवाज तक पहन के रख सकते हो। ये मुझे ऐसा लगा वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेमलेस TWS है जिनको मैं 4-5 घंटे आराम से पहन के रख पाता हूँ। यहाँ पे कम्फर्ट, नो इशूज, IPX5 रेटेड है, तो आप आराम से इन्हें जिम विम वर्कआउट में लेके जा सकते हो। हल्का फुल्का पानी वानी भी ये बर्दाश्त कर लेंगे। यहाँ पे नॉइस ने दिया ब्लूटूथ 5.1 विथ हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी, मंजे झटपट पेयरिंग। सिर्फ डब्बी खोलो 2-3 सेकंड में आपके फोन से पेयर हो जाते हैं। एंड यहाँ पे कोई कनेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, 9 से 10 मीटर का रेंज इजीली हैंडल कर पा रहे थे। एंड मुझे ऐसा नहीं लगा कि कनेक्शन में कोई इश्यूज है। एंड यहाँ पे मोनोपॉड फीचर भी काफी सही काम कर लेता है। एक बार पेयर कर लिया आप इंडिपेंडेंटली लेफ्ट यूज करो राइट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके 50,000 पहुंचने में हेल्प करो। हम इतने पास है 50,000 सब्सक्राइबर्स से। एंड अब तक हमारी बेस्ट TWS ऑफ 2021 की वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो वीडियो जाके देखो। बस इसी वीडियो के पहले अपलोड किए, ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको नॉइस दिए 6mm के ड्राइवर्स विद अ साउंड क्वालिटी इज डीसेंट। मैं बोलूंगा आपको बैलेंस्ड बेस मिलेगा, कोई हैवी बेस नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का थंप फील होगा, बट यहाँ पे कोई धन छन आपका सर हिलाने वाला बेस नहीं मिलेगा आपको। ट्रेबल्स काफी अच्छे है, क्लियर है, वोकल्स अच्छे है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे है। बस यहाँ पे मुझे ऐसा लगा थोड़ा बहुत बेस लैक कर जाता है। तो अगर आपको एकदम बेस हेड वाले TWS चाहिए देन वो ये आपके लिए नहीं है, बट आपको अच्छा बैलेंस TWS चाहिए जहाँ आपको वोकल्स अच्छे मिलेंगे या अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलेगा, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नॉइज ने दिए यहाँ सारे टच कंट्रोल्स भर भर के, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, म्यूजिक प्ले पॉज हो जाता है, म्यूजिक नेक्स्ट प्रीवियस हो जाता है, एंड गूगल आड़ी सीढ़ी इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। एक छोटा सा माइक टेस्ट बनाया है, सुन लो। तो भाई ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है माइक टेस्ट नॉइज बीट्स का। मैं भी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, ऊपर फैन चालू है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। छोटे से TWS बड़ी बैटरी लाइफ, नॉइस ने क्लेम किया है 7 आवर्स की बैटरी लाइफ एट 70% वॉल्यूम। मेरा यूजेज 80% प्लस वॉल्यूम्स पे मुझे 6 आवर्स 6.5 आवर्स के आसपास मिल रहा था, विच इज डेफिनेटली अमेजिंग बैटरी लाइफ। एंड ये डब्बी से आपको नॉइस क्लेम कर रहा है 18 आवर्स, मेरा यूजेज 15-16 आवर्स, विच इज अगेन वेरी गुड बैटरी लाइफ। मेरे हिसाब से आपको बड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, आप आराम से आपकी एक एक सीरीज का एक एक पूरा पूरा सीजन देख सकते हो ऑलमोस्ट ये बड से। भाई अब आप बोलोगे इसमें डाउनसाइड्स क्या है, सच बताऊं तो एक इसका बैलेंस्ड बेस ही मुझे ऐसा लगा एक डाउनसाइड है, क्योंकि ये बेस हैवी नहीं है। बाकी सारी चीजों में ये TWS अच्छे है, एंड 1500 के प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से आई थिंक दिस इज अ गुड परचेस, आप ले सकते हो। एंड अगर आपको ये बाय करना है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 क्वेश्चन करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।